मास्टर शेफ इंडिया में एक महिला शेफ को 25 लाख रुपए मिल जाते अगर वो अंडा या अंडे से जुड़ी कोई डिश बना देती, लेकिन उसने 25 लाख रुपयों को लात मार दी और अंडे की डिश नहीं बनाई। जानते हो क्यों? तो सुनिए। ऑफ कोर्स ये चैलेंज ट्रिकी है, बिकॉज जो चीज मैं यूज ही नहीं करती उसके साथ कुक करना बहुत मुश्किल होगा। तमिलनाडु की अरुणा विजय ने मास्टर शेफ इंडिया में हिस्सा लिया था, जहां जज ने उन्हें अंडे की डिश बनाने को कहा था और अगर अरुणा जी ये डिश बना देती तो शायद उन्हें 25 लाख रुपए का इनाम मिल जाता। लेकिन अरुणा जी जैन धर्म से जुड़ी हैं, जिसमें अंडे और मांसाहार को वर्जित माना गया है। ऐसे में जब अरुणा जी को अंडे को तोड़कर डिश बनानी थी तो उन्होंने अपने मूल्यों, सिद्धांतों और परंपराओं से समझौता ना करते हुए डिश बनाने से मना कर दिया और 25 लाख रुपए के इनाम को ठोकर मार दी। यही नहीं, उन्होंने ये संकल्प लिया कि भविष्य में भी वो ऐसे किचन में काम नहीं करेंगी जहाँ पर अंडा या मांस बनाया जाता है। गाइस, अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए आती हुई लक्ष्मी को भी ठुकरा देना बहुत बड़ी बात है, पर अगर आपके सामने 25 लाख रुपए के लिए अपनी धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने के लिए कहा जाता तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले वायरल हुए इस दिल दहला देने वाले वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें एक लड़की सड़क किनारे खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी, तभी वहाँ स्कूटी पर सवार एक महिला आई। उस लड़की ने इस महिला से लिफ्ट के लिए पूछा, जिसके बाद महिला भी मान गई। लेकिन स्कूटी पर बैठने से पहले वो लड़की उस स्कूटी के साइलेंसर में कपड़ा घुसा देती है, जिसके चलते वो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तभी अचानक से एक कार में सवार कुछ लड़के वहाँ पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर लड़की कहती है कि ये तो मेरे पहचान वाले हैं, और महिला से कहती है कि आप चाहो तो आप भी हमारे साथ बैठ सकती हो। इतना कहकर वो लड़की महिला को कार में बिठाने की कोशिश करती है और तभी वो लड़की और दो लड़के जबरदस्ती धक्का देकर उस महिला को कार में डाल देते हैं और महिला को किडनैप कर लेते हैं। गाइस, आपके जानकर हैरानी होगी कि सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में साल 2019 से 2021 तक 13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हो चुकी हैं और आज उनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हमारे उत्तर प्रदेश में एक रहस्यमयी और डरावना किला मौजूद है, जो कि दूर से तो दिखाई देता है लेकिन पास जाते ही गायब हो जाता है। हीरे जवाहरात से भरे इस किले में कभी 60 लोगों की पूरी बारात गायब हो गई थी, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। कहाँ ये किला, चलिए जानते हैं। यूपी के झांसी से 70 किलोमीटर दूर मौजूद गढ़ कुंडार किला आज से लगभग 2000 साल पुराना है। कुल 5 मंजिलों में बने इस किले में 3 मंजिलें जमीन के ऊपर हैं और 2 जमीन के अंदर। माना ऐसा जाता है कि जमीन के अंदर मौजूद इन 2 मंजिलों में हीरे जवाहरात भरे हैं, लेकिन आज तक जो कोई भी वहां तक पहुंचा है वो कभी वापस आया ही नहीं। इस किले का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से इतना बखूबी किया गया है कि ये किला चारों तरफ से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऐसे में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आसपास की पहाड़ियां बड़ी दिखने लगेंगी और किला उनके पीछे छिप जाएगा। यही नहीं, इस किले का तहखाना इतना भूल भुलैया है कि आज तक वहां से कोई लौट कर वापस नहीं आया। उन हीरे जवाहरातों को ढूंढने के चक्कर में 60 लोगों की बारात किले के तहखाने में गई तो थी, लेकिन आज तक वापस आई ही नहीं। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उनपे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉक फेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हाँ गाइज, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।